भारतीय किसान संघ के द्वारा आज दूसरे दिन भी पुनासा एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों के साथ महिलाओं ने भी कमान संभाली और कई समस्याओं को लेकर धरना दिया है। बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं पधारी, जिसमें किसानों की मुख्य मांगे हैं कि पिछली बकाया 33% राहत राशि और लागत के आधार पर खेती को लाभकारी बनाया जाए। कई समस्या को लेकर किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। खंडवा जिला अध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया, अध्यक्ष हारे सिंह डोडे, मीडिया प्रभारी पदम सिंह चौहान और अन्य सदस्य और किसानों के साथ महिलाएं भी उपस्थित रही। किसानों का आक्रोश शासन और प्रशासन के खिलाफ देखा जा रहा है। पुनासा से पदम सिंह चौहान के साथ नवाब खान की रिपोर्ट। किसानों के साथ में महिलाओं को भी आना पड़ा, क्या कारण है? ये हमारा भाई लोग कल के परेशान है, यहाँ पे कोई आया नहीं कि इसके लिए हम आए और ज़्यादा लोग आएंगे पब्लिक। आप किसको बुलाना चाहते हैं यहाँ, कौन नहीं आया? को अधिकारी को, सबको बुलाना चाहते हैं, विधायक को। आपका परिचय दीजिए। हाँ, रुक्मणी भाई। किसानों ने कल भी धरना दिया और आज भी धरना दे रहे हो, तो क्या प्रशासन और शासन सुन नहीं रही है आपकी बात? देखिए साहब, कल भी धरना था और आज भी धरना है, और आज के इस धरने में मात्र शक्ति केवल चेतावनी देने के लिए आई है कि अभी तो हम कुछ कार्यकर्ताओं के रूप में मात्र शक्ति उपस्थित हुई है, अन्यथा कल हमारे जिले की पूरी टीम और हमारी और भी मात्र शक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तीसरे दिन धरना स्थल पर पधारेंगी, क्योंकि जब तक यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ के मतदाता प्रतिनिधि यहाँ कर किसानों को जब तक संतुष्टजनक जवाब नहीं देंगे राहत राशि और अन्य मुद्दों पर जो निचले मुद्दे चल रहे हैं, जब तक ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और उग्र रूप लेता रहेगा। आगे की किसान संघ की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग यही है कि हमारी मात्र शक्ति आज 200-250 के आसपास आई है, इनकी प्लानिंग ये है मात्र शक्ति की और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर कल धरने स्थल पर उपस्थित होंगे। आपका परिचय? भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष हरे सिंह डोडे। किसान संघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारी माताएं बहनें और किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं कौन हूं, और मैं भी जो है आप लोगों के किसान का ही बेटा हूं और कई सालों तक मैंने भी खेती करी है, तो मैं आपका हर किसी का दुख दर्द अच्छे से समझता हूँ कि किसान को क्या परेशानी आती है, खाद के समय क्या परेशानी आती है, बिजली के समय क्या परेशानी आती है, ये सारी चीज़ें जानता हूँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम जानते हुए भी शासन के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जैसे हमारी अभी बहनें गाना गा रही थी कि दो दो बोरी दे रहे हैं, ये हम नहीं बनाते हैं कि किसानों को दो बोरी दो, यही गाना जो है ना, जब वोटिंग होती है और जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं ना, उस समय गाया करो कि हमको तुमने ऐसे दो दो बोरी खाद दिलवाया तुमने, ठीक है ना, तो उनके सामने ये गाना बाओ, क्योंकि नीति बनती है ऊपर से, वहां से बन के वो भेज देते हैं कि ऐसा करना है, उन्होंने कह दिया है कि सोसाइटी से खाद बटेगा, तो हम क्या है कि अगर हम अपनी कोशिश करके, मैं आपको बता दूं, ये हमारे अध्यक्ष जी आपको अच्छे से जानते हैं, अध्यक्ष जी को मैंने बताया था कि जब ये नीति लागू नहीं हुई उसके पहले मैंने कलेक्टर से आर्डर निकलवा दिया था कि किसानों को जो सोसाइटी के खाता धारक नहीं है उनको भी खाद दिया जाए, मैंने 5 बोरी का आर्डर निकाला था। फिर मेरे पास जैसे भोपाल स्तर पे बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि आपने किस आधार पर आर्डर निकाल दिया, तो मैंने कहा कि साहब आर्डर मैंने अभी किसी को भेजा नहीं, वो मेरे पास रखा है, आप कहो तो मैं उसको निरस्त कर देता हूँ, ठीक है ना, तो बोले कि नहीं, हमको जो है वो नगद में सोसाइटी स्तर से खाद नहीं बेचना है, तो शासन के निर्देशों को हम अवहेलना नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो हमारे पे कार्रवाई हो जाएगी, तो ऐसी कई समस्या हमारी भी है जिसमें जो है वो हम आपको जो चाह के भी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसानों को परेशानी नहीं हो, उनकी समस्याओं का समाधान करें, परंतु कई मुसीबतें ऐसी हैं कि जिसमें हमको भी मजबूर होना पड़ता है। रही बात जो मूंग वाली बात है, मूंग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।